Hi guys, so welcome back to Bhojpuri Chilies. मैं हूं रुधिर. कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं चरण जी चैनल से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल. वाह, क्या बात है. अगला नंबर पवन सिंह और गुंजन सिंह का. स्टार्ट करते हैं वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक को देख डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. देखते हैं भाई किसका किसका नंबर लगता है. ओके, लेट्स इंटू द वीडियो. अर्ज किया है कि चुनाव जीतने के बाद संसद में जाकर जनता की आवाज उठाने का वादा था. वाह, मुलायजा फरमाइएगा. इरशाद इरशाद. हाँ, चुनाव जीतने के बाद संसद में जाकर जनता की आवाज उठाने का वादा था. वाह, बस तलवे चाटने को हम मजबूर इसलिए हुए क्योंकि मालिक की जेब में पैसा ज्यादा था. क्या बात है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. खैर, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो शेर अभी हमने पढ़ा है ये शेर अपने भारत के किसी नेता के लिए नहीं था भाई. अच्छा, इंडिया से बाहर के नेताओं के लिए ये शेर था. क्या है, हमारे यहाँ कुछ लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि कहीं हमारे नेता के बारे में तो नहीं बोल रहा है. अच्छा, अरे इतना दिमाग अपना नेता चुनने में लगाए होते तो इतना जलील नहीं होना पड़ता. तो क्या हाल है? सवाल है. ठीक है भैया, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं का ढोल पीटने वाले भौकाली पार्टी के एक सदस्य का बीजेपी के साथ समझौता हो गया है. हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सुबहिये से हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कह रहे थे कि हमारा नेता सीएम बनेगा. निर्दलीय में जो निशान मिलेगा मनीष भैया वोट देंगे. पिछले एक महीने से अपने नेता के पीछे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए हमार नेता जिंदाबाद, हमार नेता जिंदाबाद, हमारा नेता सीएम बनेगा. और नेताजी स्वाभिमान के साथ समझौता करने के लिए एक को बार नहीं सोचे. अरे जो इतना दिन नारा लगाए होते उनका ही थोड़ा इज्जत कर लिए होते यार. अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए. तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. यस, मनीष कश्यप की, जिन्होंने पिछले कल बीजेपी ज्वाइन कर ली ऐसा आपको बताया जा रहा होगा, बट ये सरासर झूठ है. मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है. क्या बात कर रहे हैं? बल्कि मनोज तिवारी ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई है. साले तू नहीं, अगर मनीष कश्यप के हाथ में होता बीजेपी ज्वाइन करना तो पिछले 2 महीने से हाथ पर चला रहे थे, कर लिए होते. बात तो सही है. और मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाने के पीछे का जो मकसद है वो है डर. यस, बीजेपी का डर. तो डर क्या है? तो भैया बिहार के चंपारण से मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का. और जब से उन्होंने ऐलान किया था तब से वो रैलियों पे रैलियों, रोड शो पे रोड शो ठोके जा रहे थे जिसमें हजारों की संख्या में पब्लिक जमा हो रही थी. मनीष कश्यप लोगों से मिल रहे थे क्योंकि मनीष कश्यप से मिलना बहुत आसान था क्योंकि वो कोई बहुत बड़े वीआईपी नेता नहीं थे, इसलिए वो जमीन पर रहते थे और जमीन पर किसी से भी मिलना आसान होता है. और धीरे धीरे ही सही, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अपने फेवर में माहौल बनाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे थे. जीत भले ही नहीं पाते लेकिन एक तगड़ा माहौल अपने फेवर में बना लेते तो शायद आगे जाके उनको इसका फायदा भी होता. बस यही डर जो है बीजेपी को खाए जा रहा था. मैं ऑमलेट खाऊंगा. क्योंकि मनीष कश्यप की रैलियों में जो लोग आ रहे थे वो सारे के सारे बीजेपी के ही वोटर हैं. तो जाहिर सी बात है कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ जाते तो बीजेपी का अच्छा खासा नुकसान कर सकते थे. और बीजेपी का नुकसान यानी कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले. जाहिर सी बात है मनीष कश्यप किसका वोट काटेंगे? बीजेपी का ही काटेंगे क्योंकि आरजेडी वाले तो इनको वोट देंगे नहीं. तो बीजेपी का वोट मनीष कश्यप के साथ बट जाता और आरजेडी के गठबंधन से जो कोई भी प्रत्याशी वहां होता वो जीत जाता. बस यही डर मनोज तिवारी को मनीष कश्यप के पास भेज दिया. उसके बाद दोनों के बीच में डीलिंग हुई है कि हमारा क्या फायदा हमारा क्या नुकसान. तो सूत्रों के सुपुत्रों के हवाले से थोड़ा बहुत खबर निकल के ये आई है कि दोनों के बीच में शायद एमएलसी के टिकट के लिए डील डन हुआ है. मनीष कश्यप एमपी से एमएलसी, मतलब समझ रहे हो ना? आप तू इतना भी क्या गिरना था यार. अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए. देखो इस डील में मनीष कश्यप का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, फायदा एक चवन्नी का नहीं है. क्योंकि अगर आप निर्दलीय लड़ते और हार भी जाते तो भी आपके पास एक पोस्ट तो कम से कम रहती पत्रकारिता वाली, बट
अब जो आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली है तो जाहिर सी बात है अब आपके पत्रकारिता पर भी सवाल उठेंगे कि एक पार्टी का आदमी कैसे निष्पक्ष हो सकता है ना। यानी कि पत्रकारिता भी हाथ से गई और MLC मतलब पता नहीं लोग देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त वो लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आपसे BJP ज्वाइन करवा रहे हैं। मतलब क्या है, अगर आप निर्दलीय नहीं खड़ा होते तो वो नहीं आते आपके पास, क्योंकि पहले नहीं आए हैं, आपने बहुत हाथ पर मारा है, नहीं आए ना वो लोग, नहीं ज्वाइन करवाए ना वो लोग। आज क्यों आए हैं, क्योंकि उनको अपना नुकसान दिख रहा था कि भैया हमारी पार्टी के अब अच्छा खासा वोट काट देगा, तो वो लोग अपनी गरज पे आए हैं। कल को उनका उम्मीदवार जीत जाए या हार जाए उसके बाद क्या पता BJP आपसे मतलब रखे भी या ना रखे, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ अभी तक ना बिहार BJP ने ना राष्ट्रीय BJP ने किसी ने भी कोई ऐलान नहीं किया है आपके नाम का, ना कोई फोटो वोटो शेयर किया है। तो वो लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, जिस दिन आपसे मतलब निकल गया निकाल के फेंक देंगे आपको, है ना। तो आपकी पत्रकारिता भी गई, जनता का विश्वास भी गया, और जो उन्होंने डील किया है वो तो पता नहीं रहेगा या जाएगा। साले मजाक बना के रखते, बताओ कहां बिहार का CM बनने की बातें चल रही थी और एक पार्टी का नौकर बन के रह गए। खैर चलो, पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ होते जाते रहता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मनोज तिवारी अब अगले स्वाभिमानी के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं, एक और स्वाभिमानी इनके चपेट में आने वाले हैं। हाँ हाँ, पवन सिंह की ही बात कर रहा हूँ। पवन सिंह के साथ मनोज तिवारी की बातचीत शुरू हो गई है। पवन बाबू से बोला, अभी समझाओ तनी, अगर डील ठीक ठाक लगा तो फिर स्वाभिमान गया भाड़ में। और हाँ, ये डील डन होगा, अभी नहीं तो चुनाव के बाद होगा, बट होगा जरूर। अभी समझाओ तनी, ये हमारे लिए भगवान हो। चाहे ये लोग कितना भी भावनात्मक बातें कर ले, पॉलिटिक्स में अक्सर ज्यादा ही भावनात्मक बातें की जाती है। हमारे गांव में कहा जाता है ना कि नेता का बात और घोड़ा का पाद बराबर है, ठीक है ना। कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये भी कहा है। नेता नेता होता है, वो कितना भी भावनात्मक बातें कर ले, भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। उसको जहाँ से 2 रुपया फायदा देखेगा वो कल्टी मार लेगा। पवन सिंह कल को अगर BJP में शामिल हो जाएंगे, आज कह रहे हैं ना स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, कल को अगर BJP में शामिल हो जब भी जाए तो कोई दूसरा कोई क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे। बहाने बनाने के लिए उनके पास एक और पैतरा होगा, एक और बातें होंगी उनके पास। हाँ, जनता ने कहा तो हम हो गए शामिल, जनता सर्वोपरि है, यही कह देंगे, खत्म बात, गया स्वाभिमान तेल लेने। देखो, मेरी बातें सुन के मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने मत लग जाना, मैं UP का हूँ, बिहार का नहीं हूँ। कौनो जीते कौनो हारे वहाँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बस पैसे कमाने के लिए बनाता हूँ भाई, मैं नेता नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता है। मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि अपनी वीडियो से कुछ लोगों का एंटरटेनमेंट करा के 2 रुपया कमा के अपना पेट पालना, दैट्स इट, काम खत्म। ना मैं किसी नेता के फेवर में हूँ, ना मैं किसी नेता के विरोध में हूँ। नेता मतलब मैं एक ही बात जानता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, झूठा का पेड़, उससे ज्यादा मेरे दिल में किसी भी नेता के लिए कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि पवन सिंह भी BJP में शामिल हो सकते हैं, और हो भी जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अजूबा हो जाए का दिक्कत है। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री से एक साहब और है, उनके बारे में बात थोड़ा कम हो रहा है, गुंजन सिंह, वो भी बड़े स्वाभिमानी है। आज तक उनकी कोशिश है BJP में शामिल होने की, पूछा नहीं BJP ने, वो अलग बात है, लेकिन स्वाभिमानी वो भी है। हार गए तो कोई पार्टी उनको नहीं पूछने वाली है, और जीत गए तो 1 महीने के अंदर में वो BJP ज्वाइन करेंगे, देख लेना। मनीष कश्यप के पत्रकारिता का मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो कई बार उनकी पत्रकारिता के सपोर्ट में पोस्ट भी कर चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं वो। सिंगर के रूप में पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं मेरी नजर में, गुंजन सिंह भी ठीक ठाक सिंगर है मेरी नजर में। आप इन तीनों के बारे में क्या सोच रखते हैं, वो आपकी सोच है, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। ये तीनों लोग अपने प्रोफेशन में मुझे पसंद है, नेतागिरी में बिल्कुल पसंद नहीं, ओके। बाकी फिर भी मेरी शुभकामना है तीनों लोगों को, खूब कामयाब हो, आगे बढ़े, और अगर जीत जाए तो भाई जनता की परेशानियों को समझे बुझे कार्य करें, अच्छा कार्य करें। 15 साल से नीतीश कुमार CM है, और कितने दिन चाहिए बिहार के विकास के लिए, 15-18 साल तक लालू यादव पर राज करते हैं, पार्टी कोई सी भी दिन लगते हैं विकास, आदमी गलत होगा, सिर्फ पार्टी कोई सी भी हो क्या कर लेगी। यूपी में जाके देखो कितना टाइम लगता है किसी प्रदेश का विकास के लिए, मतलब यार गाली देने का मन करता है यार, सत्ता के लिए इंसानियत भूल गए सब, भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में भर के जा रहे हैं, थोड़ी भी सहानुभूति नहीं है अपने ही राज्य के नागरिकों के साथ, इतू सा भी नहीं है, बस सत्ता के लिए चट्ट से इधर पट्ट से उधर, जनता जाए भाड़ में। एक जगह रहो, कहीं भी रहो, NDA में रहो, UPA में रहो, सॉरी उसका नाम बदल गया, इंडिया हो गया ना, कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह तो रहो,
ताकि जो काम शुरू हुए हैं वो तो फाइनल हो जाए। आप बीजेपी के साथ जाओगे वो कोई प्रोजेक्ट शुरू कराएंगे कि हाँ ये काम होना है, अब काम शुरू हो जाएगा आप पलटी मार लोगे दूसरी सरकार आ जाएगी, नहीं नहीं ये तो उनका काम है बंद करो अपना दूसरा हम शुरू करेंगे, फिर उनका अपना दूसरा एक प्रोजेक्ट शुरू होगा फिर आप पलटी मार के उधर चले जाओगे, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो उनका है छोड़ो हम अपना दूसरा शुरू करेंगे, बस इसी में तेल बेच रहे हैं सब लोग। तुम्हारे दो कौड़ी के सत्ता के चक्कर में कितने लोग पीस रहे हैं पता है? आजकल की जो बिहार से आने जाने वाली ट्रेनें हैं ना, उन्हीं ट्रेन के चालू बोगी में ना इन सारे नेताओं को भर के चार दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, तब समझ में आएगा इन लोगों को कि एक आम आदमी कैसे सफर कर रहा है। खैर हम रैली सॉरी ज़्यादा बोल गया मैं, बट जब नहीं देखा जाता है ना तो भाई गुस्सा आता है फिर निकल जाती है बातें मुँह से। मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का आदमी हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके सो देखो पार्टी कोई सी भी हो है ना, मतलब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स पे क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल्स हैं, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं ठीक, हम किसी भी पर भी कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, क्योंकि भाई जब आदमी गलत है तो उस आदमी को हटाओ ना, पार्टी विशेष से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से भी क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है, जब इंसान जो इंसान गलत है उसे हटाओ वहां से है ना, उसे हटाना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता सच बताओ तो, बॉलीवुड से जितने लोग नेता बने हैं, चाहे टॉलीवुड से जितने लोग नेता बने हैं, चाहे अब ये भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने भी लोग नेता बन रहे हैं है ना, मुझे ये समझ में नहीं आता यार तुम्हारा जो स्पेसिफिकेशन है वो किसी और चीज में है और तुम क्यों घुस रहे हो पॉलिटिक्स में, वाई क्यों क्यों जाना है? अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से किसी और इंडस्ट्री में जाना भी है ठीक है, तो तुम्हारा मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ही दूसरा होना चाहिए ठीक, लाइक फैशन इंडस्ट्री उसमें जाएं आप, उसमें अपना जोर आजमाएं, नहीं पॉलिटिक्स में उतरना है, क्यों उतरना है राजनीति में, जो इस चीज़ के विशेषज्ञ है, जिस चीज़ ने जिन लोगों ने इसकी पढ़ाई की है ठीक है, इसके बारे में तर्क वितर्क करना वो जानते हैं हर चीज़ में, नहीं गंदी राजनीति फिर कैसे होगी, कैसे होगी गंदी राजनीति, क्योंकि सर बताऊं तो आधा नुकसान नेता लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के स्पेशलाइज्ड पीपल हैं ही नहीं है ना, वो स्पेशलाइज्ड हैं ही नहीं क्योंकि उन्हें ढंग का फैसला करना आता ही नहीं है, निष्पक्ष होकर कैसे फैसला करेंगे अगर आप मतलब शुरुआत से ही किसी एक प्रभावी कम्युनिटी के साथ रहे हैं हमेशा है ना, कैसे फैसला करेंगे। सो वही बात है, मुझे ऐसा लगता है जो जिस इंडस्ट्री में है ठीक है, जो जिस फील्ड में है, जिसका जिस फील्ड में स्पेसिफिकेशन है, वो उस फील्ड में और विकास करे और ग्रो करे तो ज़्यादा बेटर है ना। बाकी हर किसी इंसान की अपनी अपनी अलग सोच होती है ठीक। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।